بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزیز طلباء، آج ہم سیکنڈ ایئر کیمسٹری کا بہت اہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے انالیٹیکل کیمسٹری، اور آج کے لیکچر میں ہم میس سپیکٹرومیٹری کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ یہ نام سے ظاہر ہے انالیٹیکل کیمسٹری، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ وہ برانچ ہے جس میں ہم چیزوں کو انالائز کرتے ہیں، انالیسز کرتے ہیں۔ سو انالیٹیکل کیمسٹری از دا برانچ آف کیمسٹری that deals with separation and analysis of a sample to identify its components. तो हम कोई भी sample हो, अगर हम lab में जाएं तो हमें कोई sample दे दिया जाए तो आपसे कहा जाए कि ये क्या चीज़ है, तो हम उसको analyze करते हैं और analyze करने के लिए मुख्तलिफ techniques इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसको analyze करेंगे तो that will be in the term of analytical chemistry. तो analyze करने के दो way होते हैं। One is called as qualitative analysis. So that it In with this case, we are going to identify the elements. हम ये चेक करते हैं कि उस सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। That analysis is called as qualitative analysis. Means the analysis in which we identify the elements present in that sample, that is called as qualitative analysis. तो जब हमें पता चल जाए कि इस सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मीन की क्या क्वालिटी है, then we find the quantity of that element. So that analysis we determine the amount of each component present in the sample. तो उसको हम कहते हैं quantitative analysis. तो हम quantity find करते हैं। तो सबसे पहले quality find करते हैं कि कौन कौन से elements हैं, फिर हम उसकी quantity find करते हैं, और quantity find करने के बाद फिर हम उसका formula बनाते हैं, और उस formula को हम बोलते हैं empirical formula. फिर empirical formula से हम move करते हैं molecular formula की तरफ, और उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इन सब को एनालाइज करने के लिए आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, उसके अंदर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक उनमें से बहुत अहम एक टेक्निक है। सो इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द एनालिसिस आर स्टडीज। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, वाटर, एनवायरमेंट एंड क्लिनिकल एनालिसिस। तो मुख्तलिफ हम टेक्निक्स यूज करते हैं, हम पढ़ेंगे बाकी लेक्चर्स में। यूवी, IR infrared radiation इस्तेमाल करते हैं, हम एक NMR टेक्निक इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर ऑसिलेशन के लिए, और सबसे अहम एक अहम टेक्निक है, दैट इज मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का बेसिक पर्पस जो हमारे पास मौजूद है, हम अगर रिसर्च की बात करें तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा इसका अहम फायदा ये है कोई भी अगर एलिमेंट हो तो हम उसके आइसोटोप्स को फाइंड कर सकते हैं और उनकी अबंडेंस को। तो हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है उनके कितने आइसोटोप्स हैं और एक आइसोटोप की कितनी अबंडेंस है। तो उसके लिए हम ये मैस स्पेक्ट्रोमीटरी यूज करते हैं। सो मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये काम होता है उसको मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर द डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एंड डिटर्मिनिंग देयर आइसोटोपिक मैसेस। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री इज ऑल्सो यूज एक्सटेंसिवली टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इन दो लाइन में लिखा हुआ है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गैसेस आयंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर सेपरेशन अकॉर्डिंग टू देयर मैस टू चार्ज रेशियो एंड द मेजरमेंट ऑफ देयर इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। तो हम काम क्या करते हैं कि फर्स्ट यू आर गोइंग टू मेक द आइंस ऑफ दोज आइसोटोप्स, देन वी फाइंड सेपरेट ऑन दीज आइंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज रेशियो एंड देन वी फाइंड द इंटेंसिटी एंड वी गेट द स्पेक्ट्रम। जैसे ईसीजी बनता है, इस तरह यहाँ पर हमारे पास स्पेक्ट्रम हासिल होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, कोई भी एलिमेंट होगा हम उनको आइंस में कन्वर्ट करते हैं। आइंस जब बनेंगे मीन के पॉजिटिव आइंस बनते हैं। अब जाहिर है अगर डिफरेंट आइसोटोप्स है तो हमें पता है कि उनका मैस डिफरेंट होगा और चार्ज सब पे एक होगा, क्योंकि सबसे अगर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज हो तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन चार्ज प्लस वन है और मैस डिफरेंट है। तो जितने डिफरेंट मैसेज होंगे उतने डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशियो, और फिर वो आके फॉल करते हैं इंटेंसिटी, इस तरह हम उसकी फाइंड कर सकते हैं। तो वर्किंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ये पांच स्टेप्स हैं जो मैस स्पेक्ट्रोमीटरी की वर्किंग है। तो फर्स्ट दैट इज अ वेपोराइजेशन।
फर्स्ट वी आर गोइंग टू वेपराइज द सैंपल। तो कोई भी अगर हम सैंपल लेंगे तो उसको हम गैस में कन्वर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल कोई सॉलिड है, लिक्विड है, उसको हीट करेंगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, और अगर गैस है तो दैट ऑलरेडी इन द गैस, तो दैट इज विल हैपन इन द एवेपोरेशन चैम्बर। देन आयोनाइजेशन, वो जो गैस के वेपर्स बन चुके होते हैं उनको हम आयोनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन एक निकल जाता है एंड वी गेट द पॉजिटिव आयंस। देन द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सेलरेशन, वो जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं उनको स्पीड अप करते हैं बाय पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं ताकि उनकी स्पीड बढ़ जाए। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप, सो केटायंस आर एक्सेलरेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल 500 टू 2000 वोल्ट्स। जाहिर है नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो स्पीड से गुजरेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। और एंड पे हम अगला काम करते हैं डिफ्लेक्शन, देन वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पॉजिटिव आयंस हैं दे मेक ए कर्व, नंबर एक बात, एंड नंबर सेकंड दे मेक द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। तो एक बात याद रखनी है कि अगर एक एलिमेंट के पांच आइसोटोप्स हैं तो इट विल मेक फाइव ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो, क्योंकि फाइव ग्रुप्स का मतलब है कि पांच ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनके डिफरेंट मैसेज हैं। अगर एक एलिमेंट उसके दो आइसोटोप्स हैं तो इट विल मेक टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। तो दिस ये जो पॉइंट है बड़ा अहम है, पॉजिटिव आयंस आर डिफ्लेक्टेड एंड सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास टू चार्ज रेशियो। तो जिसका मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होगा उसका एंगल कम होगा। देन वन बाय वन वो जो ग्रुप बनते हैं दे फॉल ऑन द डिटेक्शन। तो आयंस विद पार्टिकुलर मास टू चार्ज रेशियो are detected and then amplified by the electron multiplier which can record the number of ions striking it. So, अब सबसे पहले अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो दिस इज द चैम्बर जहां पे वाइब्रेशन होती है, इसके बाद यहां पे आयनाइजेशन हो रही है, आयंस बनते हैं पॉजिटिव आयन, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं तो जो पॉजिटिव आयन वो स्पीड से यहां से गुजरते हैं एंड देन वी गिव दिस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो कर्व बनाते हैं और वो डिफ्लेक्ट होते हैं, और डिफ्लेक्ट होने के बाद एक एक ग्रुप जो है वो यहाँ पे फॉल करता है। तो जब वो फॉल करता है तो यहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसको फिर हम एम्पलीफाई करते हैं ताकि ज्यादा है, उसको मैग्नीफाई करते हैं, तो जितने ग्रुप्स फॉल करेंगे उतनी दफा करंट प्रोड्यूस होगा, मीन उतनी लाइन हमें हासिल होगी, और जितना बड़ा ग्रुप फॉल करेगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और उसका यह मतलब ये होगा कि उसकी अबंडेंस ज्यादा है। तो द डिटेक्टर इज ए फिक्स्ड पोजिशन while the magnetic field is changed so that the ions of a particular mass to charge ratio are focused into the detector. तो ये एक डायग्राम हमारे पास मौजूद है, देखें अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि जब यहां से हम ये ग्राफ बनाते होते हैं वो जो स्पेक्ट्रम हासिल होता है तो एक्स एक्सिस पे उसका एटॉमिक मास आता है एंड वाई एक्सिस पे देयर अबंडेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 35 के ऊपर एक लाइन हासिल हुई है और एक 37 पर लाइन हासिल हुई है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक का मास 35 है, एक का मास 37 है, और जो 35 मास है उसकी अबंडेंस 75% है, कि 100 में से 75 क्लोरीन के आइंस ऐसे थे जिनका मास 35 था और 25 ऐसे थे जिनका मास 37 था। तो इट मीन्स कि जितनी लाइंस हमें हासिल होंगी, जितनी पीक्स हासिल होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसके इतने आइसोटोप्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक ही पीक हासिल हुई है और वही 100% है, इसका मतलब है दैट इज मोनो आइसोटोपिक, कि उसका एक आइसोटोप है। सो द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी यूज टू ऑब्टेन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। अबंडेंस मीन्स कितनी कसरत में पाया जाता है नेचर के अंदर। Heights of a peak in the spectrum is proportional to the relative natural abundance of isotopes. So heights of the peak in the spectrum is proportional to relative natural abundance of the isotopes and the number of peaks give number of possible isotopes. So jitni height hoti hai wo abundance ko show karta hai, jitni peaks banti hain wo isotopes ko show karta hai. The relative atomic mass of an element is the average mass of different isotopes of an element. तो हम अब क्या करते हैं, जो क्लोरीन का फिर हम एवरेज मास निकालते हैं। तो आपको पता है क्लोरीन का एवरेज मास 35.5 होता है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका ये फार्मूला होता है एटॉमिक मास ऑफ ए क्लोरीन 35 into 75, so 35 उसका मास है, 75 उसकी अबंडेंस है, प्लस
37 इंटू 25, जो 37 मास है उसका उसके जो अबंडेंस 25% है, डिवाइड बाय 100 वी गेट द आंसर 35.45। तो क्लोरीन के दो हमारे पास आइसोटोप्स है 35 एंड 37, तो इस तरह वी गेट द एवरेज एटॉमिक मास। आजकल आपको पता है तो हम इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अगर मैं समरी की बात करूं तो आज के लेक्चर में हमने बहुत अहम टॉपिक डिस्कस किया है, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का पर्पस क्या है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं। नंबर सेकंडली, हमारे पास अगर कोई एलिमेंट्स हों तो उनके आइसोटोप्स एंड देयर अबंडेंस फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए 4-5 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम किसी सैंपल को आयनाइज करते हैं, फिर वो जो आइंस बनते हैं पॉजिटिव उनको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो एंड वी गेट द स्पेक्ट्रम। तो उसके लिए हमारे पास जब जितने आइसोटोप्स होते हैं उतनी ही स्पेक्ट्रम में पीक्स हासिल होती हैं, जितनी हाइट होगी वो शो करेगा उसकी अबंडेंस का, और फिर हम उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप हमें सेंड करें, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।